से आज़ादी। जी हाँ, पक्षियों की पिंजरों से आज़ादी। तो उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, या यह कह लीजिए कि मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो आज़ादी है, ये सबका प्राकृतिक अधिकार भी है, हर जीव जंतु का, मनुष्य का, हम सबका। हमने भी हमारी आज़ादी के लिए बहुत संग्राम करे हैं, कितने ही कुर्बानियाँ दी हैं, कितने बलिदान हुए हैं, तब जाके आज हमें ये आज़ाद दुनिया मिली है और आज़ाद भारत के अंदर हम जी रहे हैं। ठीक जिस प्रकार हम आज़ाद हैं, वैसे ही पहले मैं आपको इस बात से भी अवगत करा दूं कि ये जो दिवस है, बर्ड फ्रीडम डे या पक्षियों की आज़ादी का, इसका कैसे मनाया, क्यों मनाया, इसका औचित्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या है, वर्ष 2014 में मन में हमारे कई अनंत विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही एक विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ जब मैंने पिंजरे में बंद पंछियों को देखा। पिंजरे में बंद पंछियों को जब मैंने देखा, तो मुझे लगा क्यों ना हम जनमानस से, लोगों से बात करें कि भाई इनको पिंजरों में कैद रखने से आपको क्या फर्क पड़ता है या क्या फायदा होता है। तो मैंने यह चीज़ देखी कि लोग केवल अपने शौक के लिए पक्षियों को पिंजरों में पालते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे शौक के लिए, जिसको प्रकृति ने पंख दिए हैं, जिसको उड़ने के लिए ही बनाया है, उसको हम आजीवन छोटे लेते हैं और वो बेचैनी से उड़ने की कोशिश करता है, पर वो इंतजार करता रहता है कि कोई तो आए जो उसके पिंजरों को खोले और वो इस उन्मुक्त गगन के अंदर उड़े। तो ठीक है, चलिए, यह तो एक हो गई मन की विचार। अब ये मन का जो विचार है, जन का विचार कैसे बने, मन से जन तक जाए कैसे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा फेसबुक को भी। जी हाँ, क्योंकि ये जो बर्ड फ्रीडम डे की शुरुआत हुई थी, यह भी एक फेसबुक के ही द्वारा हुई थी, जब मैंने अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचार को अपने जितने भी मित्रगण थे उनके साथ शेयर करा, और उन्होंने जब इसके अंदर मुझे बताया कि भाई हम आपके साथ हैं, तो क्यों ना हम इसको एक दिवस के रूप में ही मनाया जाए। जैसे बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, इस तरह के दिवस के रूप में मनाते हैं और इस तरह के दिवस के रूप में इन चीज़ों को, भावनाओं को समझते हैं। एक्चुअली दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम हर वक्त तो वो कार्य नहीं कर सकते, पर क्या जीवन के किसी क्षण में, साल भर के किसी क्षण में हम वह कार्य कर सकते हैं? तो इसको एक फोकस रूप देने के लिए, फोकस मैनर बनाने के लिए एक दिवस का रूप दिया गया। तो 2014 के अंदर, वर्ष 2014 में जब मुझे इस तरह का विचार आया, जो उत्पन्न हुआ ये विचार, तो मैंने अलग अलग लोगों से मिल के एक बात रखी और कहा क्यों ना एक दिवस हम डिसाइड करते हैं और उस दिन हम पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं रखने की शपथ लेते हैं। जी हाँ, अर्थात जिन्होंने पक्षियों को पिंजरे में आज तक नहीं रखा, तो सबसे पहले वह तो शुरू करें, वह तो शपथ लें, क्योंकि लोग जाने अनजाने में ही पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेते हैं और फिर वो उनका एक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। एक्चुअली इट इज़ ए वन वे ऑफ लव, इट्स नॉट ए टू वे ऑफ लव। टू वे लव तो कब होगा, जब आप पक्षी को में छोड़ दीजिए, पक्षी खुद वापस आपके पास आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, तो ये टू वे लव है, अदरवाइज इससे वन वे लव। तो चलिए खैर ठीक है, ऐसे हमने बात करी, बात रखी। तो वर्ष 2014 में जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर एक जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो उस समय 7 सितंबर यानी सितंबर के फर्स्ट संडे को था। एंड बाय इत्तेफाक से ये विचार, क्योंकि अगस्त में मेरे पास आया था, मैंने लोगों से बात करी, लोगों से बात करने के बाद ये लगा कि सेकेंड संडे ऑफ सेप्टेम्बर, एक तो संडे फ्री होता है, ठीक है, दूसरा जो टाइम गैप था वो था ही इतना कि मुझे भी प्लान करने में, जो मेरे साथ लोग जुड़े सब, उन लोगों को भी प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही। तो हमने डिसाइड करा सेकेंड संडे ऑफ सेप्टेम्बर को क्यों ना एक दिवस के रूप में ये मनाया जाए। और इस तरह से ये शुरुआत जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता से हुई, जहां जयपुर मेयर उस समय वो पधारी और विभिन्न सामाजिक संस्थान से अलग अलग लोग आए, पदाधिकारी गण आए, स्कूली बच्चे आए, और सबने मिलके, अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए, सबने मिलके फिर एक डेट डिसाइड करा कि चलो ठीक है, सेकेंड संडे ऑफ सितंबर को हर साल एक दिवस ही नहीं मनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई जिन्होंने नहीं लिए, पिंजरों में नहीं रखा, वो शपथ लेंगे। उनको देख के हो सकता है किसी और के मन में भी ये आवाज़ आ जाए, और वो पक्षियों को जिनको उन्होंने पिंजरे में रख रखा है, हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो और वो पक्षी को आज़ाद कर दे। तो यही उद्देश्य लेके वर्ष 2014 से बर्ड फ्रीडम डे की एक छोटी सी शुरुआत हुई, जो धीरे 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 हमें भी पता नहीं लगा कि ये कारवा कितना बड़ा बन गया। और शायद किसी ने सच ही कहा है कि जो ईश्वरीय कार्य होते हैं उसको शुरू करने की ज़रूरत होती है, फिर कार्य अपने आप अपना रूप ले लेते हैं।
तो ऐसे ही 2014 में ये दिवस सेकेंड संडे ऑफ सितंबर से शुरू हुआ और आज धीरे धीरे करते हुए इसमें लगभग तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं जो इस मुहिम के साथ पूरा जुड़ चुके हैं, अर्थात जिन्होंने पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं रखने की शपथ ले ली है। तो हर साल यह धीरे धीरे जुड़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, आप सबके सहयोग से बढ़ता है। तो एक रिक्वेस्ट तो आप सबसे यही है कि जो जो भी आज इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो का सार्थक रूप तभी है यदि आपने पक्षियों को पिंजरे में नहीं कैद करा, कभी नहीं खरीदे। तो सबसे पहले तो आज इसके ऊपर अपन लिख पर एक शपथ ले लें कि भाई हाँ, आज ये शपथ लेते हैं कि पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं रखेंगे। दूसरा, आपके चिर परिचित जानकार या कई ऐसे लोग होंगे जिनको आपने कभी एक दो बार जीवन मिला हो या किसी के संपर्क में आप आए और उन्होंने पक्षियों को पिंजरों में कैद करके रखा हो, तो एक बार रिक्वेस्ट करनी है उनसे, जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें ये नहीं करना जबरदस्ती कि उसका पिंजरा ही खोल दिया, झगड़े हो जाए, कर जाए उनका मन, नहीं, उसके हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट जब आप करेंगे उनसे भी कि भाई हाँ, पक्षियों को पिंजरों में कैद मत रखो, तो आपने एक बार करा, हो सकता है वो एक बार में चेंज नहीं होंगे, किसी दूसरे ने फिर उनसे करा, तीसरे ने करा, तो थोड़े दिन बाद करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यदि किसी ने पक्षी को पिंजरे में कैद कर रखा है और 10 जने 20 जने उसको बोलेंगे या बार बार टोकेंगे, फिर उसका माइंड में स्ट्राइक होगा कि यार चल आजाद ही कर दो। तो जब उसके माइंड में ये स्ट्राइक होगा आजाद ही कर दो, तो वो एक बहुत आत्मीय सुकून की बात होती है। आप हम देखेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में भी बात कर रहे हैं, कब से बनी है, कौन इसको संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही चल रही है, एक रहस्यमय दुनिया है। हमारे जन्म से पहले हम क्या थे, हमारे मृत्यु के बाद हम क्या होंगे, हमें वह भी नहीं पता। हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है, वो सब कहाँ है आज, हमें नहीं पता। मतलब एग्जैक्टली अनुमान हम लगा सकते हैं पर प्रमाणित तो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है कि नहीं यही है एक्स वाई जेड, ये ऐसे ऐसे नहीं बता सकते। अनुमान, प्रिडिक्शंस, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे। तो उसी एक अनुमान में मान लीजिए हमारे ही पूर्वज आज किसी पक्षी के रूप में कहीं हों और किसी पिंजरे में कैद हों, तो हो सकता है हमारे एक छोटे से प्रयास से उन्हीं को आज़ादी मिल जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि हम ही आज से पुनर्जन्म बोल सकता है, ये कि होता है या नहीं होता ये मैं भी नहीं जानता, पर मान लीजिए यदि होता है और कभी हम ही पक्षी बन जाए, हम ही पिंजरे में कैद हों, ये दिवस आए तो कोई हमें ही आज़ाद कर दे। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत भी, पर फिर भी चलिए ये एक अंधविश्वास की बात है, अंधविश्वास में अपन ना जाए, पर फिर भी अपन देखेंगे किसी पक्षी को जो पिंजरे में कैद है, आप उसको देखना जैसे आजाद करोगे, यदि वो काफी टाइम से कैद है तो पहले तो समझ ही नहीं पाएगा, उड़ना ही भूल जाता है। जब वो उड़ना ही भूल जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा हमें मदद भी करनी पड़ेगी, फिर एक बार जब वो स्वतंत्र उड़ान भर लेता है उसके बाद वो मुड़कर नहीं आता। दूसरी चीज, इसमें जो एक मेन बात है, बहुत सी जगह ऐसा होता है जो विदेशी पक्षियों की खरीद फरोख्त होती है, विदेशी पक्षी होते हैं, बट यकीनन है हमने उनको यहाँ के वातावरण में छोड़ दिया तो वो मर जाएंगे, वो जीवित ज़्यादा नहीं रह पाते, या उनको ये चील कौवे वगैरह कोई खा जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम खरीदें ही ना भाई, विदेश से हम उनको हमारे देश में लाते ही क्यों हैं, हम यहाँ पे अब जो ला रहे हैं उसको मना नहीं कर सकते, हमारा अधिकार किस पे है, स्वयं पे। तो हमें तो केवल स्वयं की बात करनी है कि भाई हम नहीं खरीदेंगे। अब हमें देख के यदि कोई परिवर्तित होता है, किसी का हृदय परिवर्तन होता है, कोई बेचना बंद करता है, कोई नहीं करता है, हम नहीं जानते, पर हमें केवल स्वयं से शुरुआत करनी है। चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, तो ऐसे ही कोई भी अच्छा कार्य कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले खुद से ही शुरू होता है। तो खुद से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को अवेयर करते जाते हैं। मैं एक बार चाहूँगा, क्या आवाज़ आ रही है, यदि आ रही है तो आप एक बार हाँ करके जरूर लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है मे भी आवाज़ नहीं आ रही हो। और जो जो भी आज इस लाइव को देख रहे हैं, लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि वो एक बार पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं रखने की शपथ जरूर ले लें। तो क्या होगा, बैठना भी सार्थक होगा, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हृदय परिवर्तन हो। जबरदस्ती हमें किसी से नहीं करनी है, और आपसे भी यदि आपने भी घर में पक्षी पाल रखे हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा जबरदस्ती उनको आजाद करो। आपका हृदय परिवर्तन हो, आपको अच्छा लगे कि हाँ कार्य सही है, तो आप करिए, आपके अंतर मन की उसमें स्वीकृति होना जरूरी है। ये फोर्सफुली कार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य या कोई भी अभियान जो होता है
वो दो तरीके से होता है, एक तो शांति से होता है और एक क्रांति से होता है। क्रांति समहाउ मैं उसमें बिलीव कम करता हूँ, ठीक है क्रांति से भी बहुत कार्य हुए हैं संसार में इसलिए हम उसको नकार नहीं कर सकते, पर अभी वर्तमान में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें उसकी आवश्यकता है जब शांति से कार्य हो रहा है। आप देखेंगे धीरे धीरे आज 6 लाख लोगों ने शपथ ले ही लिए, तो शांति से भी प्रयास से लोग जुड़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से परिंदों को पिंजरों से मुक्त भी करा है। तो फर्क तो पड़ता है धीरे धीरे, हमें बस हमें क्या करना है धीरे 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 चीजों को फोकस में अवेयर करना है। गत वर्ष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज्य के सभी शीर्ष जो पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने भी इस मुहिम का समर्थन दिया और इस मुहिम के साथ जुड़कर इस मुहिम के जो पोस्टर है और इसका जो लोगो है उसका विमोचन किया। तो मैं आपके समक्ष वो कुछ चित्र भी दिखाना चाहूँगा, वर्ष 2019 के ही हैं ये, जिसमें महामहिम राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह साहब इसका पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपको दिख रहा होगा। और फिर उसके बाद माननीय राज्यपाल साहब के साथ हमारे मुख्यमंत्री साहब माननीय श्री अशोक गहलोत साहब उन्होंने भी वर्ल्ड फ्रीडम डे पोस्टर का विमोचन किया। इसके बाद जो शीर्ष हमारे ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख हैं श्रीमान डीबी गुप्ता साहब हमारे मुख्य सचिव साहब राजस्थान के, इन्होंने भी पोस्टर का विमोचन किया। फिर उसके बाद हमारे पुलिस के मुखिया जी हाँ श्रीमान भूपेंद्र यादव सर उन्होंने भी वर्ल्ड फ्रीडम डे पोस्टर के अभियान। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये भी क्यों जरूरी होता है कि कोई भी हम कार्य कर रहे होते हैं जो ईश्वरीय कार्य कर रहा होता है तो उसमें हमें सबको सबकी सहभागिता भी अपने अपने स्तर से जरूरी होती है। और जो हमारे शीर्ष हैं जो हमारे राज्य के शीर्ष हैं हमारे देश के शीर्ष हैं जी हाँ देश के शीर्ष हमारे प्रमुख महामहिम माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय साहब, तो वर्ष 2014 शुरुआत की गई, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य और इस दिवस के बारे में सारी एक जानकारी माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी दी गई। फिर राष्ट्रपति सर्वदा 2014 में इस दिवस के हेतु एक शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुआ। जब बड़े लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, अब जैसे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जब शुभकामना पत्र भेजा तो एक आत्मा में विश्वास भी बढ़ता है, एक आत्मबल भी बढ़ता है जितने ज़्यादा लोग होते हैं, और ऐसा लगता है कि जी हाँ कहीं ना कहीं हम सही कार्य कर रहे हैं, शायद इसीलिए है कि लोग भी हमारे साथ हमारे इस कार्य में जुड़ रहे हैं। दूसरा, यह कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो धन नहीं खर्च चाहिए उसमें, तन नहीं चाहिए उसमें, मन चाहिए बस। कार्य तीन तरह संभव, तन मन धन, हमें केवल मन आपका मन से साथ आओ। धन तो बहुत जगह है, तन तो हम बहुत जगह रैलियों जुलूस में इनमें कई बार चले जाते हैं जहाँ हो सकता है हमारा मन नहीं हो, पर बिना मन के नहीं, क्योंकि ईश्वरीय कार्य का ईश्वर की क्या देन है, मन देन है ईश्वर की, ठीक है। शरीर तो संसार का है, संसार से मिली हुई, पर ईश्वर का देन हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इच्छाएं, ये हमारी जो चीज है जो अदृश्य जगत है, तो जो अदृश्य जगत की कार्य है वो मन समेत होने चाहिए। तो इसीलिए अपने मन के साथ आप इसमें जुड़ें। और एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूंगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हैं, तो आप बताएं में कैद ना रखा जाए। आपके एक छोटे से प्रयास से यदि हमारे साल भर के एक प्रयास से कहीं कोई एक एक पक्षी भी पिंजरे में बंद आज़ाद होता है तो यह भी एक बहुत बड़ी आत्मीय सुकूनता मिलती है। और इसके अलावा क्योंकि हम लाइव हैं कन्वर्सेशन कर रहे, आपका भी कोई सवाल हो या आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लिख के बोल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसका भी जवाब देने की यदि संभव हुआ तो। तो यदि ऐसा कोई भी हो सवाल जो आपके मन में हो तो जरूर आप उसको भी बता सकते हैं। अलावा जैसे जैसे यह अभियान जयपुर से शुरू हुआ, जयपुर से टोंक की भूमि के अंदर इस अभियान को किया गया, तकरीबन 20 स्कूलों ने टोंक में अपने स्कूल स्तर पर बच्चों के अंदर ड्राइंग कंपटीशन कराया और इस संदेश को दिया, और बच्चों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रकलाएं करी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बच्चों ने चित्रकलाएं करी हैं, और जिसमें पक्षियों के जो विचार हैं उनके उन्मुक्त गगन में उड़ने को पिंजरे तरह के अपनी ड्राइंग के अंदर बताया गया है। इस तरह का इसका एक पोस्टर और लोगो भी बनाया गया वर्ल्ड फ्रीडम डे के नाम से, तो जिससे ताकि लोग अवेयर हों कि भाई हाँ कोई एक मुहिम है, कोई एक संदेश है जो हम देना चाहते हैं। दूसरा,
धीरे धीरे मुहिम गत वर्ष 2019 में लद्दाख में भी मनाया गया। लद्दाख में सरकारी स्कूलों के अंदर, लद्दाख में सरकारी स्कूलों के अंदर भी इसको एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, और वहाँ भी बच्चों ने इसको सपोर्ट करके और काफ़ी आगे तक गया। क्योंकि कोई भी कार्य हमें करना है ना, यदि हमें जीव मतलब दुनिया में परिवर्तन लाना है तो स्कूली बच्चों से लाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा चीज़ भी होता है, जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरे से मतलब उम्र में बड़े लोग भी इस दुनिया में हैं, मेरे से उम्र में छोटे लोग भी एक दुनिया में, पर एक कुदरती प्रभाव होता है ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना। तो हमें कोई भी चीज़ जो भविष्य के लिए करना है तो उसके लिए हमें बच्चों में नींव आज से ही पुरोनी पड़ेगी। आम जन को, जैसे आप पूछ रहे हैं, आम जन जाए, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम अपने अपने स्तर पर एक छोटे छोटे से प्रयास में, देखिए हम शादी में जाते हैं, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जब भी कहीं आप किसी से मिलें तो आप इस बारे में बात रख सकते हैं। दूसरा, हम एक छोटा छोटा सा वर्ल्ड फ्रीडम डे जो सेकेंड संडे ऑफ सेप्टेम्बर को मनाते हैं जयपुर से, आप अपने लेवल पे जितने जानकार लोग हैं, जो पार्क होते हैं जहाँ पे हम मॉर्निंग वॉक में घूमते हैं, उस समय हमारा माइंड भी प्राकृतिक होता है, उस समय हमें कृत्रिम माइंड नहीं चाहिए होता, उस समय हम लोगों से चर्चाएं कर सकते हैं, कुछ चार पांच तरीके हम नुक्कड़ नाटक टाइप भी कर सकते हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं। और जब भी हम कोई भी सार्वजनिक स्थल पे हम जाते हैं तो वहाँ पे इसके पोस्टर को, इनको थोड़ा सा लोगों को बता के एक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आमजन जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना आमजन, अच्छा इसमें यह देखना जरूर है कि हमें दूसरे सामने वाले का समय कितना कीमती है, उसके समय और हमारे समय में यदि मिलन होता है, उस समय के अंदर हम अपनी बात उन तक रख सकते हैं और लोगों को इनको बता सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के माध्यम से ही लोगों को एक दूसरे के साथ इसमें जोड़ा जा सकता है। सिंपल सा, आपने यदि पोस्टर को उस पर लगाया भी अपने फेसबुक पे तो वो 10 लोग देखते हैं, 10 लोग देखते हैं तो 10 लोगों की आती है, 10 से 10 जने हो सकता है उसको फॉरवर्ड करें, 10 जने हो सकता है उसको आगे शेयर करें, तो ऐसे ही चेन बनती जाती है और आमजन धीरे धीरे जुड़ता जाता है। अपना उद्देश्य भी यही है कि एक बार समूचे विश्व स्तर तक, विश्व के एक एक प्राणी मात्र तक इस संदेश को देना है। और कहीं ना कहीं आत्मा में विश्वास होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास इस संसार में कोई भी कार्य करने के लिए एक बेस आधार होता है। यदि हमारा स्वयं का ही अपने हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें उस कार्य में विश्वास नहीं होगा तो वो जन जन तक हम नहीं ले जा सकते। तो जन जन तक इसको ले जाने के लिए, आम जन तक इसको ले जाने के लिए सबसे पहले के साथ, मुहिम के साथ जुड़ना होता है। फिर कहावत कही गई है कि जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाहि को भावता सो ताहि के पास। तो जैसा प्रयास, जैसा कार्य हम करते हैं, वैसे ही संसार में लोग हमसे मिलते जाते हैं और धीरे धीरे कारवा बढ़ जाता है और संसार में ऐसे ही चीजें आई है। जितनी भी चीजें, जितने भी शब्द, जितने विचार, जितने भी जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, ये संसार में पहले नहीं थी, पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेकर आया है। तो ठीक इसी प्रकार से अब इसकी शुरुआत हो गई है, एक छोटा सा प्रयास है, धीरे धीरे इसको बड़ा बनाएंगे और उम्मीद है कि हम से ही नहीं अपितु समूचे विश्व से पक्षी पिंजरे में आजाद हो सकें, बिल तक का हमें प्रयास करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी बातें थी वो मैंने आप तक रख दी हैं, और अब भी आप और भी कोई सवाल जवाब हो तो जरूर आप करें। बाकी सितंबर माह के दूसरे रविवार को वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है। आप अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर टीम से जुड़ सकते हैं। देखिए व्यक्तिगत स्तर पर अपने मुहिम मतलब ही यही है कि आपने जैसे आज इस चीज़ को देखा, इसको आप शेयर करें तो आप जुड़ गए। व्यक्तिगत इसका मतलब आप कौन सी चीज़ शेयर करेंगे, आप कौन सी चीज़ दूसरे को बताएंगे, जो आपके अंतर्मन की आवाज़ होगी, जो चीज़ आपको सही नहीं लगेगी वो तो आप भी शेयर नहीं करेंगे। तो आपने एक आदमी से भी इसको बताया या अपने घर में ही 4 लोगों को बताया तो आप व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ चुके हैं इसका मतलब। और मैं उम्मीद करूंगा कि और जो भी जने देख रहे हैं वो भी यदि यस लिख के थोड़ा सा बताएं इसमें, तो लगेगा कि भाई आज भी काफ़ी लोगों ने इस मुहिम से साथ जुड़ के और पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं रखने की शपथ ली है। और शपथ एक छोटी सी है कि मैं कभी किसी पक्षी को पिंजरे में कैद
नहीं रखूंगा। और फोकस मैनर में सितंबर माह के दूसरे रविवार को एक जगह इकट्ठे होकर सब जने मिल लेते हैं और शपथ ग्रहण समारोह कर लेते हैं। अब क्योंकि इस बार कोरोना काल है, प्राकृतिक एक संकेत है, प्रकृति ने बोला है हम सब अपने अपने स्तर पर ही रहें। तो प्राकृतिक संकेतों, प्रकृति के आदेश की पालना करते हुए हो सकता है इस बार हम एक जगह इकट्ठे ना हो पाए, एक जगह संकल्प ना ले सकें, तो कोई बात नहीं, अपने अपने स्तर पे, अपने घर में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने यार, अपने दोस्त, अपने मित्रों के साथ में, ये जहाँ भी आप हैं, एकांत में ही हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ही उस दिन शपथ ले लें, या आज से ही शपथ लेना शुरू कर दें, या एक बार ले लें फिर अगली बार करते रहें। तो इस तरह से इस प्रयास को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और जितने जने जुड़ रहे हैं वो आप अपने बाकी जो भी विचार आपके हैं आप भी अपने विचार रख सकते हैं। हाँ, इस मुहिम को और कैसे आगे ले जाया जा सके इस बारे में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है आज ये 6 लाख लोगों तक 6 साल में गई है, अगले 1 साल में ये 6 करोड़ तक चली जाए आपके किसी सुझाव के द्वारा। आप कोई ऐसा सुझाव भी दे सकते हैं जिसके माध्यम से ये 6 करोड़, 60 करोड़, 6 अरब लोगों तक भी जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 6 साल 6 लाख लोगों तक पहुंचने में को लगा तो अगला बार वो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। आपका साथ रहेगा, आप लोगों के सुझाव रहेंगे तो ये मुहिम और जल्दी आगे बढ़ सकती है और हो सकता है समूचे विश्व से जल्दी सारे पक्षी पिंजरों से आज़ाद हो जाए। और जिन्होंने पक्षियों को खरीद फरोख्त का काम कर रखा है वो खरीद फरोख्त के काम में भी अपना व्यापार चेंज करके कोई दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए, जो पक्षियों को नहीं बेच रहे वो भी तो जिंदा है, वो भी तो काम कर ही रहे हैं, कुदरत में उनको भी समय मिल रहा है, उनको भी काम मिल रहा है, भोजन पानी मिल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, परिवार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अन्य विकल्प भी वो तलाश सकते हैं कि पक्षियों को ना बेचकर कुछ अन्य बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रकृति को प्राकृतिक रूप में हमारा एक संतुलन बनाए रखने के लिए हम एक छोटे से प्रयास में सफल हो जाए और प्राकृतिक संतुलन का कार्य भी करते हैं। जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं, जो प्राणी मात्र बने हैं, जिनको शरीर मिला है, वो सभी इस संसार में प्राकृतिक संतुलन बनाए रख रहे हैं। तो प्राकृतिक बैलेंस करने के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी पक्षी हों उनको पिंजरों से आज़ाद रखा जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, धन्यवाद। और जन सरोकार मंच को मैं धन्यवाद कहूँगा, टॉक को, कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और वो बहुत सारे लोगों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपने बातों को एक मतलब प्लेटफॉर्म से अनेक लोगों तक ले जा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।